हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। मैं आपके लिए एक लेटेस्ट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वैकेंसी आ रखी है दिल्ली जल बोर्ड 2021 स्पेशलिस्ट इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में। फ्रेंड्स, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें पास्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट। इंपॉर्टेंट डेट है फ्रेंड, 5 जुलाई 2021 से अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 जुलाई 2021 है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, जो इसमें पे डिटेल है आपकी, वो 1 लाख रुपये है। फ्रेंड्स, आपकी 1 लाख रुपये सैलरी होगी। ये स्पेशल पोस्ट है आरके, इन पे वैकेंसी। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 45 साल से कम होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस टेस्ट होगा। फ्रेंड्स, मोड ऑफलाइन है। पोस्ट एड्रेस आपको यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा, जो ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है। ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ट्री रूम 215 वेनुलर फेस करोल बाग न्यू दिल्ली 1125। जॉब लोकेशन दिल्ली है। फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रेंड्स इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ चुका है। जैसा कि एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स आपको, आप सभी देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, वो आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म दिल्ली जल बोर्ड कमिश्नर टीटीटी, आप देख सकते हैं 1/7/2021। इसकी नोटिफिकेशन डेट है वीरेंद्र सिंह असिस्टेंट कमिश्नर टी रूम के, उन्होंने साइन कर रखे हैं। फ्रेंड्स, जिसमें पोस्ट हैं आपकी कॉन्ट्रैक्टर स्पेशलिस्ट सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट अथॉरिटी, इंस्पेक्टर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल आर्किटेक्चर मेजर लेवल आर्किटेक्चर ग्राउंड वाटर एक्सपर्ट अर्बन प्लानर, इन सभी की ये वैकेंसी आ रखी है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा, लास्ट डेट जो है इसकी एप्लीकेशन 30/7/2021 है। फ्रेंड्स, आपसे जो ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट में जो क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएट विद LLB पोस्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस मिनिमम 8 ईयर्स का होना चाहिए। फ्रेंड्स, सेफ्टी एनवायरनमेंट ऑडिटिंग के लिए MBA सेफ्टी एज अ डिजास्टर मैनेजर मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल में MTech या स्ट्रक्चर फॉर द USA और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपकी सैलरी हर किसी में 1 लाख से ऊपर है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में MTech या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल UGCT और प्लस में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए भी फ्रेंड्स आपका यही है और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेंड्स, MTech आर्किटेक्चर में भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए फ्रेंड्स ये एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। 5 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस तो मांगा गया है। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आई जैसे कि आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म में, ये एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई कर सकते हैं। उस पोस्ट ऑफिस का आपको पता दे दिया, उस जगह पे आपने पोस्ट करना है पोस्ट ऑफिस से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना।